चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल फीलिंग फाइन। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर केयर रूटीन, अपना बॉडी केयर रूटीन और अपना स्किन केयर रूटीन। सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज यूज करूंगी वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑन द अफोर्डेबल साइड है, बिकॉज ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो आपको हमेशा रीपर्चेज करने पड़ते हैं। सो अफोर्डेबल ही हो तो ज्यादा अच्छा रहता है हमारे बजट के लिए। तो काफी दिनों से ना आई वॉज ट्रैवलिंग एंड जब आप ट्रैवल करते हो तो डेफिनेटली ना हेयर का ध्यान रख पाते हो, ना स्किन का, ना बॉडी का, किसी भी चीज का, ये सब चीजें तो इग्नोर होती हैं। एंड पॉल्यूशन एंड डस्ट, इतना सब कुछ होता है, वो सब कुछ हेयर भी डैमेज करता है, स्किन भी डैमेज करता है। तो स्पेशली माय हेयर हैज बिकम वेरी फ्रिजी बिकॉज मैंने ना स्टाइल भी बहुत किया था अपने बालों को लेटली, सो दे डेफिनेटली नीड पैम्परिंग नाउ। For my hair care today, I'm going to use Love Beauty and Planet's Argan Oil and Lavender Hair Care Range, which includes the Smooth and Serene Hair Mask, Sulfate-Free Shampoo and a beautiful conditioner as well. So this hair care range has organic Moroccan Argan Oil, जो कि आपके बालों को एक boost of moisture and nourishment देता है and makes them smoother and controls frizz. But उससे पहले I'm going to do a little bit of skin care and then we will quickly hop into the shower. So first thing that I'm going to do is wash my face. फेस वॉश के लिए मैं यूज करूंगी डॉटन की का बैरियर रिपेयर प्लस हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश। जैसे कि इसका नाम है जेंटल, इट्स अ वेरी नाइस जेंटल जेल लाइक फेस वॉश। बहुत ही लाइट है, बहुत ज्यादा लैदर नहीं होता है फेस के ऊपर, बट डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लीन करता है। सो मैंने थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रे कर लिया था अपने फेस के ऊपर और अब मैं अच्छे से फेस वॉश अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी एंड आई एम गोइंग टू रिंस इट ऑफ विद सम वाटर। सो मैंने अपने स्किन केयर में एक न्यू रिचुअल स्टार्ट किया है विच इज़ आइसिंग। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी बट विंटर्स आ गए थे तो विंटर्स में थोड़ा करना मुश्किल होता है, बट नाउ वी हैव समर्स, मैं अपने फेस को अच्छे से आइस कर लूँगी। एंड आइसिंग से गाइज बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं आइसिंग से, और मुझे पर्सनली बहुत रिफ्रेशिंग लगता है आइसिंग करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है ना आइस, जो कि होता ही ठंडा, तो आप थोड़ी देर आइस को बाहर निकाल के रख लो या फिर रैप इट इन अ क्लोथ एंड देन आइस। अपने फेस को आइस करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे फेस मास्क, जिसके लिए मैं यूज़ करी हूँ मॉम कोस का प्यूरिफाइंग टर्मरिक फेस मास्क। तो ये बहुत ही ना ऐसे उपटन टाइप का फेस मास्क है, तो फिर पोर मिनिमाइजिंग के लिए, पोर क्लेंजिंग के लिए, डी टैनिंग के लिए ऐसे फेस मास्क बहुत अच्छे रहते हैं। सो मैं अपने पूरे फेस पे इवनली इस फेस मास्क को अप्लाई कर दूंगी बिकॉज अभी मैं रूम में खड़े होकर अप्लाई कर रही हूँ तो मैं नेक पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ। बट आप जब अप्लाई करो कोई भी फेस मास्क तो गाइज उसको नेक पे भी अप्लाई करो, अदरवाइज आपके फेस का कलर और नेक का कलर अलग हो जाएगा ओवर टाइम। सो अच्छे से फेस पे अप्लाई करके मैं इसको 10 मिनट तक अपने फेस में रखूंगी एंड गाइज नाउ लेट्स जस्ट क्विकली हॉप इन द शावर एंड कम्प्लीट आर हेयर केयर एंड आर शावर रूटीन। शैम्पू के लिए मैं यूज करने वाली हूँ लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन oil and lavender smooth and serene sulfate free shampoo. So guys, this range of love beauty and planet is vegan and peter certified cruelty free. The shampoo has a white translucent kind of color, also feels very smooth and very moussey, and this also applies very nicely on the hair. So I always start my shampoo routine with getting my hair a little wet. पहले wet करने से guys easily shampoo apply हो जाता है. So I'm gonna take a good amount of shampoo and start with my scalp and उसके बाद और shampoo लेके I'm gonna start with my ends and अच्छे से मैं shampoo को ends में apply कर लूँगी and then I'm gonna rinse off everything with water. नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी कंडीशनर, सो आई एम गोना यूज लव ब्यूटी एंड प्लैनेट्स आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर स्मूथ एंड सीरीन कंडीशनर। सो कंडीशनर्स यूजुअली शैम्पू से थोड़े और थिकर होते हैं, सो ऑब्वियसली द कंडीशनर्स टेक्सचर इज लिटिल मोर थिकर, बट ऑल्सो दिस वन अप्लाइज वेरी स्मूदली, वेरी ईजिली एंड इंस्टेंटली इट मेक्स योर हेयर सो स्मूद। सो आई एम गोना टेक अ गुड अमाउंट ऑफ द कंडीशनर और मैं अपने एंड्स पे ही कंडीशनर को फोकस करती हूँ। थोड़ा बहुत जो मेरे हाथ में रह जाता है कंडीशनर मैं उसको अपने स्कैल्प में अप्लाई कर लेती हूँ। सो शावर में ही मैं कंडीशनर को 1 या 2 मिनट के लिए अपने हेयर में रहने देती हूँ एंड देन आई जस्ट रिंस इट ऑफ विद वाटर। सो फॉर माई हेयर मास्क टुडे आई एम गोइंग टू यूज लव ब्यूटी एंड प्लैनेट्स आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर स्मूद एंड सीरीन 2 मिनट मैजिक मास्क। आर्गन ऑयल इज समथिंग जो कि सेंचुरीज से यूज होता आया है फॉर मॉइस्चराइजिंग योर हेयर एंड योर स्कैल्प एंड दिस पर्टिकुलर हेयर मास्क ऑल्सो कम्स विद अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस ऑफ लैवेंडर विच लिंगर्स ऑन योर हेयर फॉर सो लॉन्ग। द हेयर मास्क हैज अ वेरी मूजी एंड अ वेरी फ्लफी टेक्स्चर एंड इट इज सो ईजी टू अप्लाई ऑल्सो।
सो आई एम गोना टेक अ गुड अमाउंट ऑफ दिस हेयर मास्क, थोड़ा सा वार्म अप कर लूँगी एंड अपने एंड्स में इसको मोस्टली अप्लाई करूँगी. थोड़ा सा जो बच जाएगा वो मैं अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लूँगी. सो मैं इसको रखूँगी अपने हेयर पे ऑलमोस्ट फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन आई एम गोइंग टू वॉश इट आउट विद वाटर. दिस वर्क्स वेरी क्विकली, सो विद इन 2-3 मिनट्स ही आपके बालों को ये स्मूथ कर देता है. सो नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी बॉडी वॉश. सो आई एम यूजिंग प्लम बॉडी लविंग ट्रिपिन मिमोसा शावर जेल. सो गाइज, प्लम बॉडी वॉशेज आर माई फेवरेट बॉडी वॉशेज एंड दिस वन, ओ माई गॉड, स्मेल सो नाइस. इससे नहाने के बाद ना आपका वॉशरूम पूरे दिन तक ऐसे फ्रेश ऑरेंजेस जैसा स्मेल करेगा एंड इससे ना लैदर भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है. सो नहाने में भी बहुत मज़ा आता है. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई बॉडी. सो आई एम गोइंग यूज़ एक्वालॉजिकाज हाइड्रेट प्लस नरिशिंग क्रीम. सो ये बॉडी एंड फेस क्रीम है, बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, फेस पे भी, अच्छी थिक है सो काफी अच्छे से मॉइस्चराइज रखती है. सो गाइज, आई जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द शावर एंड मैंने अपने बालों को भी ड्राई कर लिया है एंड ओ माई गॉड, माई हेयर फील्स सो नाइस एंड सॉफ्ट एंड वेरी क्लीन एंड ऑल्सो स्मेल्स सो नाइस. मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं सलोन से हेयर स्पा करवा के आई हूँ. सो रियली रियली लविंग माई हेयर. फ्रिज बहुत कम हो गई है, बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, बहुत मैनेजेबल फील हो रहा है और एकदम फ्रेश फील हो रहा है. आई एम रियली लाइकिंग द रिजल्ट ऑफ ऑल द 3 थिंग्स टूगेदर, दैट वॉज द हेयर मास्क, द कंडीशनर एंड द शैम्पू. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर रियली नाइस फॉर फ्रिजी हेयर, फॉर ड्राई हेयर एंड आई थिंक रेगुलरली आप उनको यूज भी कर सकते हो बिकॉज बहुत ही अच्छी क्वालिटी इन्ग्रीडियंट्स भी उसमें है. So guys, now let's quickly do our skincare routine. So I recently saw Alia Bhatt's skincare routine video and I got really inspired from it. But सारे products बहुत ही expensive थे, almost सारे. तो I have curated an affordable version of that skincare routine of Alia Bhatt. So चलो, let's जल्दी से follow it. तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी फेस सेरम. सो आई एम यूजिंग कॉस आईक्यूज विटामिन B3 फेस सेरम. इसके हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं नियासिनामाइड एंड पेप्टाइड्स. सो आई एम गोना टेक अ गुड अमाउंट, लाइक 1 or 2 pumps ऑफ दिस, और मैं 1 or 2 pumps इवनली अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी. सो फेस सेरम अप्लाई करने के लिए आई ऑलवेज लाइक टू टैप माई फेस रादर देन रब इट. नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी डॉटन कीका सेरेमाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड फेस क्रीम. सो दिस इज अ लिटिल ऑन द थिकर साइड. सो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है देन यू माइट नॉट लाइक इट, बट इट रियली नाइसली मॉइस्चराइजेस योर फेस. सो आई एम गोना टेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ दिस वन. थोड़ा सा वार्म अप करके अपने पाम्स में मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी एंड ये आपके फेस को ना पूरे दिन भर मॉइस्चराइज रखता है. थोड़ा अपवर्ड मोशन में मसाज करके मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूंगी. सो नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन. सो यहाँ मैं एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन्स. सो पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूँगी एंड ऑल्सो नेक पे. मॉर्निंग स्किन के रूटीन में द मोस्ट असेंशियल प्रोडक्ट हैज़ टू बी अ सनस्क्रीन. मैं कभी कभी नाइट में भी अप्लाई कर लेती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर. सो नेक पे भी गाइस अच्छे से अप्लाई करो सनस्क्रीन को. एंड नेक्स्ट होगा लिप बाम, जिसके लिए मैं अपना फेवरेट लिप बाम विच इज़ द लिनेज लिप स्लीपिंग मास्क यूज़ कर रही हूँ. So guys, इसी के साथ we come to the end of the small pamper routine that I like to do for myself, which definitely leaves my hair, my skin and my body pampered. So guys, video अगर आपको अच्छी लगी तो like ज़रूर करिएगा. कुछ questions हैं या कुछ doubts हैं तो आप मुझे personally Instagram पे message कर सकते हो या फिर नीचे comment section में भी पूछ सकते हो. Also guys, don't forget to hit the bell notification ताकि जब भी मैं video post करूँ आपको immediately notification आ जाए. And अभी तक अगर आप मेरे साथ video में बने हुए हो, thank you so much guys. जय हिंद.